आज जो मैं बना रही हूँ ना, मुझे लगता है वो सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद होगी, क्योंकि मैं बना रही हूँ कुरकुरी भिंडी, वो भी बिल्कुल कम तेल में। इसे बिल्कुल भी मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी। तो मैंने ले लिया है 2 चम्मच चावल का आटा, 2 चम्मच बेसन, और इसमें मैंने डाल दिए मसाले, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर, हल्दी आप डाल सकते हो, और फिर थोड़ा सा नींबू का रस डाल दीजिए, आमचूर पाउडर डाल दीजिए। और ये सारी भिंडी ना इसमें मैंने मिक्स कर दी है। और अब मैंने एक पैन में ले लिया है थोड़ा सा ऑयल, कुकिंग ऑयल आप जो खाते हो ले लीजिए। और मैंने तेल में हींग डाला है, और हींग के साथ में मैंने डाल दी सारी भिंडी। अब हमें बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना है, आराम से इसे स्लो गैस पे फ्राई होने देते हैं। और फिर साथ साथ में मैं अपना दूसरा काम भी कर दूँगी, मुझे मशीन लगानी है, मैं मशीन लगा देती हूँ। और साथ में मैंने दाल चावल भी बना लिए साथ साथ में। और ये भिंडी स्लो पे हो रही है, यानी इसे करीबन 12 से 15 मिनट लग गए भिंडी फ्राई होने का, क्योंकि ये शैलो फ्राई हो रही है। डीप फ्राई अगर हम करते हैं तो 5-7 मिनट में बन जाती है, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं होता है ना, हेल्थ के लिए बहुत ऑयली हो जाती है वो। इसलिए मैं इसी तरह से भिंडी बनाती हूँ कुरकुरी वाली। तो बस भिंडी बनकर रेडी हो गई है, बहुत ही यम्मी लग रही है। और इस पर मैंने डाल दिया चाट मसाला, इससे ना एक अच्छा सा चटपटा सा है ना इसे फ्लेवर आ जाता है। तो और आज मैंने रोटी स्किप कर दी है, रोटी वोटी नहीं बनाई है लंच में। तो लंच आज मेरा है टमाटर की दाल, चावल और कुरकुरी भिंडी। तो बस आज हमारा यह लंच है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं लंच, और फिर मैं मिलूँगी आपसे बाद में। तब तक के लिए बाय बाय।